विश्व में कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन होने से गरीबों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों की हर संभव मदद के लिए बोला था, वहीं कुछ ऐसी जगह भी देखने को मिल रही है जहां गरीबों को खाने के लिए भी नहीं था। वहीं ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन आयरा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेश शर्मा, जिलाध्यक्ष आशीष त्रिपाठी, पत्रकार प्रशांत त्रिपाठी एवं राहुल चाय और ब्रेड का वितरण किया और चैनल के माध्यम से लोगों को मैसेज दिया कि सभी लोग घरों के अंदर ही रहें और अपने परिवार के साथ समय बिताएं, साथ ही एक दूसरे से मिलते समय सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखें। मदद करिए। मैं आशीष त्रिपाठी हूँ और ये सब हमारे भाई हैं, इन सब के सहयोग से जिस तरीके से अपने देश में जो आपदा आई हुई है, देश ही नहीं पूरे विश्व में आपदा जो आई हुई है, उससे लड़ने के लिए हम लोग पूरी तरीके तैयार हैं। भारत सरकार अपने देश प्रधानमंत्री के आह्वान से, राज्य सरकार के आह्वान से जो भी हम लोग सहयोग कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। हमारे बगल में भैया जी खड़े हैं, इनका अपना खुद का गेस्ट हाउस है, कैटरिंग होती है भैया जी। इन्होंने बोला हुआ है कि जब तक हमारा जो सहयोग हो सकेगा 10 दिन 15 दिन 20 दिन, ठीक इसी तरीके चाय, अभी जैसे शाम को उन्होंने कड़ी चावल का प्रोग्राम रखा हुआ है, जहाँ जहाँ ज़रूरतमंद लोगों को हम लोग उनको खाने उपलब्ध करवा रहे हैं। आज कहाँ कहाँ आप लोगों ने चाय और ड्रेस का? आज हम लोगों ने जब गेस्ट हाउस अपने बाहर से निकले हैं तो नौसा चौराहे के बर्रा बाईपास से लेके आज ये आप देख रहे हैं ये बस्ती बनी हुई बर्रा हाट की, तो यहाँ पे जैसे जानकारी मिली यहाँ अभी तक कोई पहुँचा नहीं है, तो स्थिति बड़ा दयनीय है। और वैसे हम लोगों ने चाय ब्रेड आज हम लोगों ने यहाँ पर मुहैया कराई है, उपलब्ध कराया है और कोशिश करेंगे शाम को रात में आके हम लोग यहाँ पर खाने का व्यवस्था करवाएं लोगों से और ऐसे कराते रहेंगे। ऐसे जहाँ जहाँ बस्ती है, जहाँ जहाँ लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं, हम लोग वहाँ चाह रहा हूँ पूरे जनता को, पूरे देश को, पूरे कानपुर नगर वासियों को बोलना चाहूँगा कि सभी लोग भारत सरकार का निर्देश पालन करें और सोशल डिस्टेंस बना के चलें। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने जो लॉकडाउन किया है उसका मतलब नहीं कि आप घर पे बैठे छुट्टी मनाएं या फिर बाहर घूमें, ऐसा कुछ नहीं है। देश में बहुत बड़ी आपदा हुई है, इसका कोई इलाज नहीं, अभी तक कोई इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं। तो सबसे निवेदन है कि सभी लोग सोशल डिस्टेंस का मतलब दूरियाँ बना के रखें और सफाई रखें, जब भी कहीं जाएं हाथ को धोएं, सैनिटाइजर रखें, साथ में मास्क पहने, ग्लव्स पहने। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सब लोग सोशल डिस्टेंस रहें, पिकनिक ना मनाएं और मौज मस्ती ना करें।